अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू यूनानी टेब चैनल। उम्मीद है कि आप सब नाज़रीन खैरियत से होंगे। क्वालिफाइड हकीम मोहम्मद वसीम आप नाज़रीन की खिदमत में आज फिर एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर है। आज की इस वीडियो में हम अपने नाज़रीन के लिए दो नुस्खे लेकर आए हैं। पहला नुस्खा अपने उन नाज़रीन के लिए है जो अपने दांतों के पीलेपन की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने ऐसे नाज़रीन के लिए दांतों को मजबूत, खूबसूरत और इस पीलेपन को हटाकर मोतियों की तरह चमकदार बनाने के लिए हम नुस्खा लेकर आज हाज़िर हैं। और दूसरा नुस्खा अपने उन नाज़रीन के लिए है जो दांत या दाढ़ के दर्द की वजह से बहुत परेशान हैं, हर तरह की दवाई खा ली है लेकिन कोई असर नहीं होता। तो उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसके लिए भी एक देसी नुस्खा बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा ये नुस्खा उन नाज़रीन के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने हद से ज़्यादा सिगरेट नोशी की हुई है, दांतों पर निकोटीन जम गया है, या जिन्होंने हद से ज़्यादा पान खाया हुआ है, दांत बिल्कुल ख़राब हैं, और तीसरे नंबर पर जिनके दांत विरासती तौर पर ही ख़राब हैं, जिनके मैले कुचाले हैं। कुछ नाज़रीन में ऐसा होता है कि जिनके विरासती तौर पर ही दांत मैले कुचाले होते हैं वो साफ़ नहीं होते, वो डॉक्टर ही साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इस चैनल का मकसद अपने नाज़रीन तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, इसलिए हम कोई झूठ नहीं बोलते। जो नुस्खा जितना अमल करता है हमने उतना ही बताना है। तो फिर आइए नाज़रीन, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामीण, सबसे पहले दांतों को साफ, मजबूत और चमकदार बनाने वाला नुस्खा आप नोट कर लें और अच्छी तरह सुन भी लें, जैसा कि स्क्रीन पर साथ साथ नज़र आ रहा है। तो नुस्खे का अज़ा मंदरजा ज़ैल लें: लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, बेकिंग सोडा 1 खाने का चम्मच, टेबल साल्ट 1/2 खाने का चम्मच। नाज़रीन, तैयारी का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ये तीनों चीज़ें ले लेनी हैं, उनको किसी प्याली वगैरह में डालकर आपने अच्छी तरह से मिक्स करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। वो तरीका इस्तेमाल ये है कि दिन में आप किसी भी टाइम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने इस्तेमाल करना हो तो आपने ये फ्रेश बनाना है। फ्रेश बनाकर आपने करना ये है कि अपनी उंगली के साथ इस पेस्ट को अपने दांतों के चारों तरफ लगा लेना है, दाढ़ों पर, दांतों पर, आगे पीछे हर तरफ लगाकर आपने 1 मिनट तक उसको वैसे छोड़ देना है। तो नुस्खे के जज़ा से आपको नज़र आ भी रहा है कि जैसे ही आप लगाकर छोड़ेंगे तो दांतों में से जितनी मैल कुचैल है, जहरीले मादे हैं, वो 1 मिनट में आप सारे निकल जाएंगे। तो जो रुतूबत निकलेगी आपने उसे थूक देना है। तो 1 मिनट के बाद आपने जिस ब्रश से आप दांत ब्रश करते हैं तो आपने वो अच्छी तरह से, जैसे दांत ब्रश करते हैं उसी तरह आपने उसे ब्रश करना है। करने के बाद आपने अच्छी तरह से मुँह साफ़ कर लेना है। जो पेस्ट बाकी बचा है उसे आपने फिर से ऐसे ही उंगली की मदद से दांतों पर लगाना है और फिर से आपने ब्रश करना है। तो इसका आपको फ़ायदा ये होगा नाज़रीन के सारे जहरीले मादे जिस दांत दर्द का बायस बनते हैं या आपके दांतों को ख़राब करने का बायस बनते हैं, कीड़ा लगने का बायस बनते हैं, ये सारे मादे भी निकल जाएंगे और आपके दांत भी बिल्कुल मोतियों की तरह चमकदार हो जाएंगे। अब इसी नुस्खे की दूसरी टिप हम बताते हैं कि जो नाज़रीन चाहते हैं कि नहीं, हमने तो आज शादी पर जाना है, हमने तो किसी फंक्शन पर जाना है, दांत तो हमने आज ही वाइट करने हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी टिप और है कि कोयला जिसे हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं आपने वो लेना है। लेकर आपने उसे बिल्कुल बारीक पीस लेना है, पाउडर फॉर्म में ले आना है। लेकर आपने उसको भी बिल्कुल इसी तरह अपनी सिर्फ कोयला लेना है, अपनी उंगल की मदद से उसको भी ऐसे ही दांतों पर लगाना है, चारों तरफ लगाकर आपने ऊपर से फिर से ब्रश कर लेना है। तो ये अगर एक दिन में करना हो तो 2 दफ़ा वो वाला नुस्खा और 1 दफ़ा आपने ये कोयला लगाकर अच्छी तरह से ब्रश कर लेना है, तो आपके दांत उसी टाइम बिल्कुल मोती बन जाएंगे। तो ये 2 नुस्खे आपके हो गए। और अब ये दूसरा नुस्खा हमने आपसे बताना है कि अगर किसी नाज़रीन के दाढ़ या दांत में दर्द हो, शदीद परेशान हो, सारी दवाइयाँ खा ली हों, कोई फ़र्क ना पड़े, तो एक छोटी सी टिप यूनानी टिप चैनल की तरफ से भी, क्योंकि हमारा मकसद ही, हमारे सियासी हुक्मा इसी कोशिश में रहते हैं कि आप अपने नाज़रीन को हर अच्छा से अच्छा और सस्ता से सस्ता घरेलू नुस्खा बताएँ। तो नाज़रीन ये नुस्खा नोट कर लें। अगर आप किसी हकीम से पूछेंगे तो ये 1 लाख रुपये लेकर भी आपको नहीं बताएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पैसे ले लेगा लेकिन आपको इतना कारामद, इतना सस्ता उसका कभी नहीं बताएगा। तो नाज़रीन नोट करें, आपने करना ये है कि आँख का दूध लेना है, थोड़ा सा ले लें आप, बेशक अगर जिसके नाल में दर्द हो तो वहीं पर चले जाए आँख के पौधे के पास। अगर आपको आँख के पौधे के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं, नहीं ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि आँख का दूध क्या होता है और इसका दूध कैसे निकालते हैं। तो अभी हमारा मकसद उस वीडियो पर बात करना नहीं है। तो आपने छोटी सी रुई लेनी है, लेकर उसको आँख के दूध में भिगो लेना है। भिगोकर आपने करना यह है कि अगर दांतों में खोड़ वगैरह है तो आपने उस खोड़ के अंदर रख देना है। अगर दांत में वैसे दर्द है या दाढ़ में दर्द है तो उसके नीचे रखकर ऊपर से 1 मिनट तक आपने प्रेस किए रखना है, ऊपर वाले दांत की मदद से या नीचे वाले दांत की मदद से।
तो ये भी आपने सिर्फ 1 मिनट ही अंदर रखना है। रखने के बाद अगर दांतों से रतूबत वगैरह निकलती है तो आपने पानी वगैरह को अंदर नहीं गुजारना, क्योंकि ये आँख का दूध जहरीला होता है। 1 मिनट रखना है और 1 मिनट के बाद आपको पता भी नहीं होगा कि कभी आपके दांत में दर्द हुआ था या नहीं हुआ था। इतना इफेक्टिव नुस्खा है ये। नाज़रीन, हमने आपको दोनों नुस्खे जो बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा कारामद हैं, क्योंकि पहला नुस्खा जो है वो दांतों को साफ भी करता है और दांतों में से मैल को जेल को निकाल कर आपके दांतों को मजबूत भी बनाता है। और अगर फौरी नुस्खा अमल करवाना है तो हमने आपको कोयले वाला भी बता दिया है। और अगर दांत में दर्द स्टार्ट हो गया है, आपने पहले दांतों की परवाह नहीं की, तो ये छोटी सी टिप आपको बता दी है, हमने मुफ्त में आपको बता दी है, इसके कोई पैसे नहीं है, आप इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। नए आने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।